हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैच 24 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जनरल सिंप्लीफिकेशन पे कुछ एग्जांपल्स लेंगे जो कि बेस्ड ऑन बोर्ड मास होगा, जिसमें कि फ्रैक्शनल पार्ट को भी अब इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने बोर्ड मास रूल को पढ़ा था जिसमें कि फ्रैक्शनल पार्ट को मैंने नहीं लिया था, क्योंकि फ्रैक्शन हमको सिखाना था, उसके बाद ही इसे अप्लाई करना था। तो अगर इस प्रकार के जनरल सिंप्लीफिकेशन को आप अगर अच्छे ढंग से सीख लेते हैं तो मैथ में कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान हो जाएगा और किसी भी प्रकार का समस्या नहीं आएगा। यानी इस सिंप्लीफिकेशन का नॉलेज अगर अच्छे से है आपको, तो फिर मैथ में आसानी से आप आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह के प्रयास किया गया है इस प्रकार के सिंप्लीफिकेशन पे। और इसके बाद इसमें बेस्ड जनरल सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स पे भी आएगा, जिसमें कि ये सिंप्लीफिकेशंस अप्लाई होगा। और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स को जानने के बाद आपके लिए सिंप्लीफिकेशन करना बहुत ही आसान हो जाएगा और किसी भी प्रकार की समस्या जैसे वर्ड प्रॉब्लम और जनरल सिंप्लीफिकेशंस और किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो सिंप्लीफिकेशन बेस्ड होता है उसे आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आज का जो ये क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे करना ना भूले, इसे देखना ना भूले और इस तरह से इसके बारे में जानकारी अच्छे ढंग से लें तो आपके लिए मैथ आसान हो जाएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं जनरल सिंप्लीफिकेशन बेस्ड ऑन बोर्ड मास फ्रैक्शंस। शुरू करते हैं, देखते हैं इस प्रकार के सिंप्लीफिकेशन को कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है। तो देखिए, इसमें हम लोग पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद ऑफ का करेंगे, देन डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उसके बाद इस तरह से बारी बारी से हम लोग इसमें इसका वर्क करेंगे। तो देखिए कैसे बनाया जाता है, सिंपल से तरीके से 5/2 है, इसे हम ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि प्लस के साथ ये कनेक्टेड है, बाय 5। डिवाइड है तो डिवाइड ऐसे करेंगे, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे। तो इसमें इसके एलसीएम लेना हो, क्योंकि फ्रैक्शन एडिशन में हमने सिखाया कि इस प्रकार के जो एडिशन है उसको कैसे बनाते हैं, तो इसके एलसीएम लिया जाता है, इसीलिए इसका हम एलसीएम लेंगे 2 और 4 का, तो आएगा 4 जो बताओगे आप लोगों को। यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, इसको काटेंगे तो आएगा 2, उस 2 से इस 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 10, प्लस फिर इस 4 से 4 को डिवाइड करेंगे कटेगा 1 बार में, फिर 1 से 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे आएगा 1 ऑफ 4 माइनस 5 इस तरह से। फिर अगले स्टेप में देखेंगे कि 5/2 है प्लस 22/5 डिवाइडेड बाय, फिर यहां सिंगल टर्म हो सकता है क्योंकि ये ऐड होगा ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, 11/4 ऑफ 4 माइनस 5। तो इसमें देख रहे हैं कि ऑफ है और यहाँ डिवीजन है, तो पहले ऑफ का काम होना चाहिए, तो ऑफ है मतलब इससे 1 बार में कर सकता है, इससे 1 बार में कर सकता है। तो इसमें अब आगे बढ़ेंगे 5/2 प्लस 22/5 डिवाइडेड बाय, अब ये 1 × 11 है यानी 11/1 माइनस 5 लेंगे। इसी तरह से फिर आगे के स्टेप में देखेंगे 5/2 प्लस 22/5 डिवाइड का साइन है, इसलिए हम लोग इसे मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर देंगे और ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बदल जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, यानी 1/11 माइनस 5। अब इसमें जो करने लायक होगा, अब इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन और ये है मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन का काम पहले कर लेंगे, तो 11 × 1 = 11, 11 × 2 = 22, ये आ जाएगा 5/2 प्लस 2/5 माइनस 5। अब इसका हम लोग काम करेंगे, यहाँ 5/2 है, 2/5 है, फिर 5 है और इसके नीचे चाहे तो 1 रख सकते हैं। फिर इसके बाद इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, इस सभी का एलसीएम लेंगे 2/5 × 1 का, तो 2/5 × 1 का एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम होगा इसका 10 होगा एलसीएम, क्योंकि इसमें से कोई कटने वाला है नहीं 5/1 और 2/5 और 1 में, ये कॉमन फैक्टर एक के सिवा कुछ भी नहीं है, तो इसमें हम 2 × 5 कर देंगे तो मेरा आ जाएगा एलसीएम 10।
इस 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा 5 बार में, 5 से इसके ऊपर भी 5 है तो 5 से इंटू करा देते हैं इस 5 को तो 25 आ जाएगा। फिर यहाँ इस 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो 2 बार में कटता है, इसके ऊपर भी 2 ही है इसलिए 2 से इंटू करा देंगे और बीच में प्लस है तो प्लस देना है, 2 2 4 हो जाएगा। फिर इसी तरह से यहाँ 1 है, 1 से अगर हम 10 को डिवाइड करेंगे तो 10 बार में कटेगा, 10 से हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस साइन साथ, यहाँ 10 5 50 हो जाएगा। इस प्रकार से फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें जो जो ऐड होने लाइक है उसे हम ऐड कर देंगे, ये 25 और 4 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 29 और माइनस इधर 50 है अपॉन 10 है। फिर आगे बढ़ेंगे तो अब तो सब्ट्रैक्ट करना है, डिफरेंट साइन आ गया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला है, यानी प्लस है और माइनस है तो डिफरेंट साइन को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसी तरह से हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा तो इस 50 से ही 29 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है ये कम है तो 0 से 9 नहीं जाएगा तो फिर क्या करेंगे कैरी लेंगे 10 होगा, 10 से 9 जाएगा तो आएगा 1, फिर इसके बाद यहाँ बचा 4, 4 में से 2 जाएगा तो आएगा यहाँ 2 और नीचे है क्या 10 है। और एक चीज और देखना है, इसे साइन देखना पड़ेगा क्योंकि ये साइन कौन सा लगेगा प्लस वाला या माइनस वाला, तो देखेंगे कि किस साइन का न्यूमेरिकल वैल्यू अधिक है तो इस माइनस वाले का न्यूमेरिकल वैल्यू अधिक है इसलिए इसमें हम लोग माइनस लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग इसे सॉल्व कर दिया, ऐसे ही सिंपलीफिकेशंस को सॉल्व किया जाता है इस रूल्स को लगा के, यानी रूल्स मतलब बोडमास रूल को अप्लाई करके, कोई भी सिंपलीफिकेशन को हम लोग जब भी बनाते हैं इसमें बोडमास रूल को अप्लाई करके ही आगे बढ़ा जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का सिंप्लीफिकेशन क्यों ना हो। जहां पे ब्रैकेट आएगा ब्रैकेट का काम पहले करना पड़ेगा, ऑफ है उसके बाद ऑफ का काम करना पड़ेगा, फिर डिवीजन है तो डिवीजन करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जिस तरह से भी होगा वो हम ऑपरेशन को यूज करते रहेंगे। इस प्रकार से बोडमास रूल को अप्लाई करते रहना पड़ेगा हर एक सिंप्लीफिकेशन में, इसलिए बोडमास रूल को अच्छे ढंग से अप्लाई करने आना चाहिए। इसलिए हमने बहुत सा सिंप्लीफिकेशन और भी जनरल सिंप्लीफिकेशन को लेंगे, उसके बाद इस के मदद से फिर आगे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पर भी क्वेश्चन चलेंगे और कैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स को सॉल्व किया जाता है, यानी एक वेरिएबल्स में एक्स वाई जेड में से कोई भी हम लोग यूज करके, और उस प्रकार के क्वेश्चन को भी लेंगे, सिंप्लीफिकेशन को लेंगे जिसमें एक्स वाई जेड ये सभी जो होंगे एक वेरिएबल्स का यूज जिसमें करेंगे उसका हम लोग वैल्यू